रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट में क्या अंतर है सामान्यतः हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई सभी जजमेंट्स को एक समान मानते हैं परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सिर्फ रिपोर्टेबल जजमेंट्स ही बाइंडिंग इफेक्ट रखती है परंतु नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स नहीं रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट ये दोनों अलग अलग कैसे हैं चलिए जानते हैं रिपोर्टेबल जजमेंट वह होती है जिसे न्यायिक प्रणाली में एक प्राथमिकता मानी जाती है और जो आगे के मामलों के निर्णय में संदर्भ बन सकता है कहने का मतलब यह है कि इन जजमेंट्स का बाइंडिंग इफेक्ट होती है लोअर कोर्ट्स के लिए रिपोर्टेबल जजमेंट्स उस कानून की तरह है जिसको मानना लोअर कोर्ट्स के लिए अनिवार्य है अगर लो कोर्ट का कोई जज इसको मानने से इनकार करता है तो इसको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए दोषी जज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है इन रिपोर्टेबल जजमेंट्स को विभिन्न न्यायिक पत्रिकाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशित किया जाता है ताकि वे आने वाले समय में न्यायिक विवेचना और व्याख्या में सहायक साबित हो सके परंतु आजकल जनरली देखा गया है कि नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स को भी प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा सामान्य रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और यह भी नहीं बताया जा रहा कि कौन सी जजमेंट रिपोर्टेबल है कौन सी नहीं परंतु लॉयर इन न्यूज वेबसाइट पर यह बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट रिपोर्टेबल है कौन सी नहीं नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट वह है जिसका न्यायिक प्रणाली में कोई विशेष महत्व नहीं होता और जो आगे के मामलों के निर्णय में संदर्भ नहीं बनता मतलब जिनका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता इन नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स का लोअर कोर्ट में रेफरेंस के लिए नहीं दिया जा सकता और अगर कोई एडवोकेट ऐसी किसी जजमेंट को पेश भी करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन